Konnichiwa. Yo, anime lovers, an original theory video. आज वाली वीडियो में मैं कोई बहुत खतरनाक थ्योरी नहीं बताने वाला. इट्स अ सिंपल बट ट्रस्ट मी, ये थ्योरी मोस्ट लाइकली सच होगा. हैव यू एवर थॉट कि वन पीस में जो गन्स यूज करने वाले हैं वो न्यू वर्ल्ड में सर्वाइव कैसे करते हैं? कैरेक्टर्स लाइक बैकमैन या सॉप, ईजो, ये लोग इतने सारे टॉप टीयर्स के सामने कम्पीट कैसे करते हैं? मोर लाइक सर्वाइव, बट समझ गए ना तुम. क्योंकि स्वॉर्ड यूजर्स और डेविल फ्रूट यूजर्स को क्लियरली सुपीरियर दिखाया गया अभी तक वन पीस में, तो फिर यासोप बैकमैन जैसे लोग इतने ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड कैसे हैं इवन व्हेन दे यूज गन एज द मेन वेपन? इसी टॉपिक पे ये वीडियो होने वाला है. अभी मैं जो थ्योरी बताऊंगा तुमको, ये मुझे लगता है कि मोस्ट लाइकली होगा ही होगा. इंट्रो देख लो, म्यूजिक पे वाइब कर लो, मेरी भद्दी आवाज़ फिर से तुमको सुनना ही है, ठीक है? इसके बाद तो लेट्स बिगिन. एक सवाल मुझे तुमसे पूछना है, तुम्हें क्या लगता है जब बैकमैन ने किज़ारू के ऊपर अपना गन से एम किया था, तब किज़ारू क्यों इवन फॉर अ फ्यू सेकेंड्स हैंड्स अप कर लिया था? नॉट सेइंग किज़ारू वहाँ पे बैकमैन से वीक था, बट फॉर सम रीज़न किज़ारू अलर्ट हुआ था. आई वॉन्ट टू आस्क यू कि ये सम रीज़न ही तुम्हारे हिसाब से क्या है? मेरा जो पहले ओपिनियन था रिगार्डिंग दिस, वही यहाँ पे मोस्ट लोगों का ओपिनियन होगा. दैट इज़ कि शायद से ये गन चलाने वाले लोग अपने बुलेट्स को आर्मामेंट हाकी से कोट या फिर इन्फ्यूज़ कर देते होंगे, जैसे जोरो और वर्गो अपने वेपन्स को इन्फ्यूज़ करते हैं. लेकिन अपने को ना आज तक ऐसा कुछ केस दिखा नहीं है जो कि इस थ्योरी के फेवर में हो, इसलिए अभी मैं तुमको कुछ बताने वाला है जिसके रिगार्डिंग मेरे पे कुछ प्रूफ्स भी है. तो अकॉर्डिंग टू मी, रीज़न बिहाइंड क्यों किज़ारू बैकमैन के गन पॉइंट करने पर अलर्ट हुआ था, ये है कि बैकमैन का जो गन है वो स्पेशल है, क्योंकि उसके जो बुलेट्स हैं वो सी प्रिज्म स्टोन के बने हैं. एंड इवन इफ किज़ारू फुल स्पीड में उसके बुलेट्स को डॉज कर सकता था, अगर गलती से भी एक बुलेट किज़ारू को लग जाता और बॉडी में ही फंसा रह जाता किज़ारू के, तो फिर वो अपने डेविल फ्रूट को यूज़ ही नहीं कर पाता जब तक वो बुलेट उसके बॉडी से नहीं निकाला जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस किज़ारू वहाँ पे वो बुलेट्स डॉज करने का रिस्क नहीं लिया. एंड ये चीज़ के लिए मेरे पे कुछ बहुत पक्का फैक्ट्स हैं. तुम सबको सी प्रिज्म स्टोन के बारे में पता है ना? सी प्रिज्म स्टोन यूज़ किया जाता है एक डेविल फ्रूट यूज़र की पावर्स नलीफाई करने के लिए. लेकिन तुमको एक चीज़ जान लेना चाहिए कि अगर सी प्रिज्म स्टोन के एक छोटे से टुकड़े को भी किसी डेविल फ्रूट यूज़र के बॉडी में घुसा दिया जाए तो वो अपना डेविल फ्रूट यूज़ नहीं कर सकता है. हमने ऐसा होते हुए देखा है. मांगा स्पॉइलर अलर्ट, कोई बहुत बड़ा स्पॉइलर नहीं है, बट स्टिल चैप्टर 1041 में हमने देखा था कि ओरोची अपना डेविल फ्रूट यूज़ करके अपना मिथिकल स्नेक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था. क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि हियोरी ने उसके बॉडी में खील ठोक दिया था जो कि सी प्रिज्म स्टोन से बना था. इस चीज़ से ये क्लियर हो गया ना कि अगर सी प्रिज्म स्टोन किसी की बॉडी में पियर्स करे तो वो अपने डेविल फ्रूट यूज़ नहीं कर पाएगा या कर पाएगी. नाउ हियर कम्स अ ट्रिक क्वेश्चन. अपने को पता है कि सी प्रिज्म स्टोन से बारीक चीज़ें बनाना सिर्फ एक ही जगह पॉसिबल है अभी के टाइम पे, दैट इज़ वानो. हॉकिंस ने चैप्टर 924 में लॉ के अगेंस्ट सी प्रिज्म नेल्स यूज़ करते टाइम ये बोला था, याद आया? हाँ, मतलब कि वानो इज़ दी ओनली प्लेस एज ऑफ नाउ जहाँ पे सी प्रिज्म स्टोन से इतने छोटे छोटे चीज़ें बनाया जा सकता है. एंड एज वी ऑल नो बुलेट्स आर स्मॉल टू, तो फिर इतना तो पक्का है कि बुलेट्स जैसी छोटी चीज़ें सिर्फ वानो में ही बन सकती है. तो फिर बैकमैन के पास ये स्पेशल गन कहाँ से आई और उसमें स्पेशल ये जो बुलेट्स है, मतलब सी प्रिज्म स्टोन के बुलेट्स है, वो कहाँ से आए बैकमैन के पास? अब इसके पीछे मैंने थोड़ा रिसर्च किया, हमारे मित्र लॉर्ड ऑफ हरामी से कहा कि एक सोर्स चाहिए, जुगाड़ करो. एंड गेस व्हाट, उसने जुगाड़ किया एंड वी गॉट द सोर्स. एंड द रीज़न कि क्यों बैकमैन के पास सी प्रिज्म स्टोन बुलेट वाला गन है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ डोफ्लामिंगो. चैप्टर 943 में हम लोगों को पता चला था कि काइडो और ओरोची स्माइल फ्रूट्स के लिए वेपन्स ट्रेड करते हैं, वेपन्स जो कि वानों में बने हुए होते हैं. और ये ट्रेड किससे करते हैं ओरोची काइडो? ऑब्वियसली डोफ्लामिंगो. एज वी ऑल नो डोफ्लामिंगो इज द बिगेस्ट स्मगलर इन वन पीस. तो वॉट आई थिंक इज डोफ्लामिंगो काइडो से सी प्रिज्म स्टोन बुलेट्स वाले गन्स लेता था इन एक्सचेंज ऑफ स्माइल फ्रूट्स, और फिर उसको पूरे न्यू वर्ल्ड में डिफरेंट पायरेट्स को स्मगल करता था. और क्योंकि न्यू वर्ल्ड में योंकोस का राज है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वो लोग भी डोफ्लामिंगो से ये स्पेशल गन्स खरीदते थे. एंड इस वजह से बैकमैन के पास सी प्रिज्म स्टोन बुलेट्स वाला गन था जिसकी वजह से किज़ारू उसके अगेंस्ट अलर्ट हुआ था. बट हियर कम्स अनदर ट्रिक क्वेश्चन कि अगर काइडो सी प्रिज्म स्टोन बुलेट्स वाले गन्स डोफ्लामिंगो को देता था तो फिर काइडो इन स्पेशल गन्स को अपने ही आर्मी को क्यों नहीं दिया? अगर वो ऐसा करता तो उसका आर्मी और स्ट्रॉन्ग हो जाता ना. बट द थिंग इज काइडो ऐसा नहीं कर सकता
क्योंकि सी प्रिज्म स्टोन इज वेरी रेयर एंड काइडो इतना पागल नहीं है कि वो इतना रेयर चीज़ 30,000 की आर्मी को देगा। बट ऐसा नहीं है कि काइडो पूरा सी प्रिज्म स्टोन ही भाई डोफ्लेमिंगो के चक्कर में दे देता है, नहीं ऐसा नहीं है। काइडो ने ट्रेड के अलावा स्पेशल लोगों को सी प्रिज्म स्टोन का एक्सेस दे रखा है एंड ये स्पेशल लोग हैं सुपरनोवास जो कि उसके साथ अलायंस बनाए हैं, टोबी रोपोस एंड कमांडर्स मतलब किंग क्वीन जैक और हाँ ओरोची भी। इसलिए हॉकिंस चिल में एकदम सी प्रिज्म स्टोन से बने नेल्स यूज़ कर रहा था। और हाउ डू यू थिंक कि हियोरी के पास ओरोची के ऊपर ठोकने के लिए खील आया, मतलब कैसे तुमको क्या लगता है कि हियोरी कैसे कहाँ से उसको मिला भाई वो खील कहाँ से मिला? मे बी क्योंकि ओरोची के पास सी प्रिज्म स्टोन का एक्सेस था और हियोरी ने उससे भसका लिया था शायद पास्ट में वरना हियोरी को सी प्रिज्म स्टोन मिलना इज वेरी डिफिकल्ट पता है। और अगर ऐसा होता ना कि हियोरी ओडेन की बेटी है करके उसको किसी वे में कोई जुगाड़ करके दे दिया सी प्रिज्म स्टोन, तो ये जुगाड़ आई गेस सारे अकाजाज के पास भी होता और वो लोग भी सी प्रिज्म स्टोन को यूज़ करते हुए दिखते, बट ऐसा कुछ हमने नहीं देखा अभी तक। तो व्हाट आई एम सेइंग इज डॉफी काइडो को स्माइल फ्रूट्स देता था, एक्सचेंज में सी प्रिज्म स्टोन बुलेट्स वाले गन्स लेता है। यार ये बहुत लंबा है यार बोलना काइडो से की गन्स लेता है यार बट बुलेट्स वाले छोड़ो, और ये गन्स पूरे न्यू वर्ल्ड में बेचता है और पैसे छापता है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट का क्या, वो क्यों डोफ्लेमिंगो को नहीं रोकता ऐसा करने से? आंसर इज सिंपल, क्योंकि डोफ्लेमिंगो उनको ब्लैकमेल करता है कि अगर रोका तो तेरा सीक्रेट बता दूंगा। और अबाउट कि क्यों डॉफी ये गन्स वर्ल्ड गवर्नमेंट को सप्लाई नहीं करता, क्योंकि डॉफी की दुश्मनी है वर्ल्ड गवर्नमेंट से, उसकी नहीं बनती वर्ल्ड गवर्नमेंट से। प्लस अगर पूरे न्यू वर्ल्ड में ये स्पेशल गन्स स्मगल भी हो रहे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा वर्ल्ड गवर्नमेंट को? इट्स नॉट लाइक ना कि इसको ही यूज़ करके कोई एक पर्टिकुलर योंको वर्ल्ड गवर्नमेंट पर अटैक कर देगा, राइट? और अगर कर भी दिया तो वर्ल्ड गवर्नमेंट उसको हरा ही देगी, मतलब यार वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑब्वियसली एक योंको से स्ट्रॉन्गर है अभी और दो योंको मिलते तो है नहीं, तो या वर्ल्ड गवर्नमेंट को कोई टेंशन नहीं है। और डॉफी के हेल्प से शायद ये वेपन्स अभी के टाइम पे सारे योंको के टॉप टीयर्स के पास है। योंको के टॉप टीयर्स इसलिए बोला क्योंकि वही है इतने रहीस की इतनी रेयर चीज़ को अफोर्ड कर सके। मे बी यासोप लकीरू भी ये स्पेशल गन्स यूज़ करते हैं, ब्लैकबेट के क्रू का वो स्कोप वाला शूटर भी शायद अभी ये स्पेशल गन विद स्पेशल बुलेट्स यूज़ करता है। एंड अगर ये सब सच होता है तो इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि डोफ्लेमिंगो जो है वो एक्चुअली में सारी योंकोस के साथ कनेक्टेड है। और तुमको पता ही है राइट कि न्यू वर्ल्ड में एक पायरेट क्रू कैसे सर्वाइव कर सकता है, या तो योंको से मिलके या फिर उससे लड़के, मतलब कि हर न्यू वर्ल्ड में आए क्रू को योंकोस के साथ किसी ना किसी वे में इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि डोफ्लेमिंगो एक्चुअली सारे न्यू वर्ल्ड के पायरेट से कनेक्टेड था इनडायरेक्टली। एंड बिकॉज ऑफ दिस थ्योरी तुमको समझ आ ही गई होगी कि क्यों रिवॉल्यूशनरी आर्मी ने डॉफी के गन्स चुराए थे, क्योंकि वो स्पेशल गन्स है जो कि उनके वॉर में काम आता। और रेवो को शायद डॉफी इसलिए गन्स स्मगल नहीं करता था क्योंकि वो उनमें इंटरेस्टेड नहीं था शायद, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रेवो खुद से डॉफी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। और अभी डॉफी के अरेस्ट के चक्कर में पूरे न्यू वर्ल्ड में सी प्रिज्म स्टोन बुलेट वाले गन्स की सप्लाई बंद हो गई है, मतलब कि दिस शिट विल गेट मोर रेयर बट नॉट फॉर वन कैरेक्टर एटलीस्ट, दैट इज उसोप भाई, उसोप, यस उसोप इज इन वानो। एंड अभी काइडो के हारने के बाद काइडो का राज वानो से जाएगा, मतलब कि उसोप के पास एक चांस होगा कि वो अपने गुलेल के लिए अच्छे खासे सी प्रिज्म स्टोन के बुलेट्स बनवा सकता है। और ये चीज़ से उसोप एक्चुअली में आने वाले आर्क्स में एंड वॉर में आग लगा सकता है। उसोप इस चीज़ से लिटरली लोगिया फ्रूट यूजर्स को तक वीकन करने का पावर गेन कर लेगा, विच विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर हिम एंड अ ग्रेट पावर अप टू आई गेस। और ये सी प्रिज्म स्टोन्स एक बड़ा रीजन हो सकता है कि क्यों वर्ल्ड गवर्नमेंट वानों में घुसना चाह रहा है, ताकि वो वानों पे कब्जा करके उधर से गन्स ले और मस्त फायदा उठाए, पोनेग्लिफ भी दब जाएगा और गन्स भी मिल जाएंगे, मस्त एक तीर से दो शिकार। वैसे क्या तुम उस सबको सी प्रिज्म स्टोन के बुलेट्स यूज करते हुए देखना चाहते हो, मतलब उसके गुलेल के थ्रू? मैं तो देखना चाहता हूँ, तुम अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करके बता सकते हो। एंड दैट इज इट, इतना ही था थ्योरी, नॉर्मल थ्योरी था बट मुझे लगता है कि ये थ्योरी सच होगा, दिस थ्योरी विल कम ट्रू एंड यस हो गया। कमेंट्स में बताओ ये वीडियो कैसा लगा, ये थ्योरी कैसा लगा, और अब नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।